मैं हरकेश मीना, सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय नौहर। आज हम बीए पार्ट थर्ड में राजनीति विज्ञान में पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों में जॉन लॉक के बारे में पढ़ेंगे। जॉन लॉक एक समझौतावादी विचारक था, अर्थात राज्य की उत्पत्ति के बारे में जो समझौतावादी सिद्धांत को महत्व देते हैं, जो समझौतावादी सिद्धांत को मानते हैं, उनमें हॉब्स, लॉक और रूसो, जिनको संविदावादी कहा जाता है, तो जॉन लॉक एक संविदावादी थे। उनका एक प्रसिद्ध कथन था कि प्रकृति से ही मनुष्य को यह शक्ति प्राप्त हुई है कि वह अपनी संपत्ति की रक्षा करे, अर्थात अपने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करे। जॉन लॉक का जन्म 1632 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ और 1704 में इनकी मृत्यु हुई। अपने जीवन में इन्होंने लगभग 30 कृतियों की रचना की, उनमें से मानव बोध से संबंधित ग्रंथ, शासन पर 2 निबंध, सहिष्णुता पर 1 पत्र, सहिष्णुता पर 2 पत्र, सहिष्णुता पर 3 पत्र, सहिष्णुता पर 4 पत्र, इस तरह की ये कृतियाँ प्रमुख है। अब हम ये देखेंगे कि लॉक के चिंतन पर किन किन का प्रभाव पड़ा, किन किन बातों का लॉक के चिंतन के ऊपर प्रभाव पड़ा। तो लॉक के चिंतन पर जो प्रभाव पड़ा, उसमें सर्वप्रथम उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि। पारिवारिक पृष्ठभूमि में उनके जो पिताजी थे, उन्होंने बचपन में उनके साथ में कठोर व्यवहार किया, और जो जो वो बड़े हुए, उनमें जो जो समझ आती गई, क्यों तो वो उनके साथ में मित्रवत व्यवहार करने लगे। इससे लॉक ने ये माना, लॉक ने यह अनुभव किया कि मनुष्य सद्गुणी होता है। एक तरह से मनुष्य में निहित सद्गुणों का उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया कि एक आदमी दूसरे के साथ में अच्छा व्यवहार करता है, दूसरी उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि जो थी, वो सामाजिक पृष्ठभूमि में उनको हमेशा अपने जीवन में सहयोगी जो मिले, जो मित्र मिले, वो विश्वसनीय मिले। कभी उनको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला, कोई ऐसा सहयोगी नहीं मिला जिसने बाद में जाके कोई धोखा किया हो। तो इससे उनके जीवन में जो विश्वसनीय मित्र मिले और उन्होंने अपने उनको जो है अच्छी तरह से सहयोग किया, तो उनसे उनके मन में ये बात आई कि वास्तव में मनुष्य जो है अच्छा होता है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और मनुष्य कभी किसी का बुरा नहीं करता। कई बार मनुष्य भावावेश में आके या अन्य किसी कारणों से बुरा व्यवहार कर लेता है, लड़ाई कर लेता है, झगड़ा कर लेता है, लेकिन कुल मिला के जो है मनुष्य अच्छा होता है। फिर उनके विचारों पर जो प्रभाव पड़ा, उनमें अपन उनकी जो धार्मिक पृष्ठभूमि में जाते हैं, तो तत्कालीन इंग्लैंड का जो वातावरण था, उसमें धार्मिक कट्टरता के कारण अव्यवस्था में अशांति का अनुभव किया जाने लगा, और सभी लोगों ने ये अनुभव किया, सभी लोगों ने ये महसूस किया कि इस धार्मिक कट्टरता के कारण इंग्लैंड में जो एक अशांति की संभावना बनी है और अशांति पैदा हुई है, उसको मिटाने के लिए सिर्फ एक ही उपाय है कि हमको धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनानी चाहिए और किसी भी प्रकार की कट्टरता का
धार्मिक कट्टरता का जो है विरोध किया जाना चाहिए। तो उन्होंने ये माना कि शांतिपूर्ण जीवन यापन के लिए धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाना भी जरूरी है, आदमी को किसी भी प्रकार की कट्टरता का विरोध करना चाहिए। उसके बाद उनके जीवन में सिडनी व वूकर का प्रभाव पड़ा, और सिडनी व वूकर का जो प्रभाव पड़ा वो ये था कि वहाँ का जो राजनीतिक एक चिंतक था एल्जरनॉन सिडनी, उन्होंने ये माना कि शासन का आधार जनसहमति, यानी कोई भी शासन व्यवस्था तभी स्थायित्व प्राप्त कर सकती है, तभी लंबे समय तक टिक सकती है, और तभी जो है शासन संचालित कर सकती है जब उसका आधार जनसहमति, यानी कि लोगों की निष्ठा, लोगों की श्रद्धा उस शासन के प्रति हो। दूसरा जो वूकर का उनके ऊपर प्रभाव पड़ा, तो वूकर का भी उनके ऊपर यही प्रभाव पड़ा। वूकर ने ये कहा था कि शासन का आधार जनसहमति होना चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि शासन का उद्देश्य जन कल्याण होना चाहिए, यानी जब शासन व्यवस्था संचालित करे तो उसका प्रमुख उद्देश्य ये हो कि सभी लोगों का कल्याण किया जाए, जन कल्याण किया जाए, लोगों को किसी प्रकार की जो है उस शासन में समस्या नहीं हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जो है कल्याण किया जाए, भला किया जाए। तो इस तरह से उनके जीवन में सिडनी और वूकर का भी प्रभाव पड़ा, और वो मुख्य रूप से ये था कि किसी भी शासन व्यवस्था का आधार जनसहमति होना चाहिए, और शासन का जो उद्देश्य है वो लोक कल्याण होना चाहिए, जन कल्याण होना चाहिए। उसके बाद में जैसे विविध जो राजनीतिक अनुभव थे, उन राजनीतिक अनुभवों का भी जो है लाख के ऊपर प्रभाव पड़ा, और इंग्लैंड में जो उन्होंने जो देखे बचपन में, उन्होंने जो घटनाएं उन्होंने देखी अपने जीवन में, तो बचपन में उन्होंने गृह युद्ध देखा, युवावस्था में उन्होंने गणतंत्र की आड़ में स्थापित क्रॉमवेल की तानाशाही, उसके बाद स्टुअर्ट वंश का निरंकुश शासन, तथा उसके बाद उन्होंने इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति देखी, जिसे देखकर लाख ने यह निष्कर्ष निकाला कि शासन मनुष्य की आवश्यकता है। लेकिन कोई भी शासन व्यवस्था तभी स्थायी हो सकती है जब वह जनसहमति पर आधारित हो, तथा उसने ये माना कि मनुष्य जो है शांति प्रिय है और सहयोगी प्रवृत्ति का प्राणी है, और विशेषकर 1688 की जो गौरवपूर्ण क्रांति इंग्लैंड में हुई, उस क्रांति के बाद में उन्होंने ये अनुभव किया कि जब बिना खून खराबे के शासन सत्ता में परिवर्तन हो सकता है, तो इसका मतलब मनुष्य ये नहीं चाहता कि किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा हो, संघर्ष हो, खून खराबा हो, तो मनुष्य में इतना विवेक है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से शासन व्यवस्था में परिवर्तन कर सकता है, तो या अपने हितों के अनुकूल या जो है शासन व्यवस्था की स्थापना कर सकता है। और मनुष्य कुल मिला के उन्होंने ये महसूस किया कि मनुष्य शांति प्रिय है और सहयोगी प्रवृत्ति का प्राणी है। उसके बाद में हम लेते हैं कि मानव प्रकृति के बारे में जो लॉक ने जो विचार रखे, लॉक के जो विचार हैं वो ये है कि उन्होंने कहा मानव एक विवेकशील प्राणी है, मानव मूलतः सामाजिक प्राणी है और सभी मानव समान है। तो मानव एक विवेकशील प्राणी है, अपनी विवेक के आधार पर, अपनी बुद्धि के आधार पर अपना भला बुरा समझता है, और उसी के अनुसार मनुष्य ये व्यवहार करता है कि मानव एक ऐसा जीवन जिए जिससे उसको कम से कम समस्याओं का सामना करना पड़े। मानव, उन्होंने कहा कि मानव मूलतः एक सामाजिक प्राणी है, तो इसके बारे में उनका मानना था कि कभी कभी मनुष्य जो है लड़ाई कर लेता है, झगड़ा कर लेता है, अन्यायपूर्ण व्यवहार भी कर लेता है, अमानवीय व्यवहार भी कर लेता है,
लेकिन बेसिकली मनुष्य जो है ऐसा होता नहीं है। मनुष्य मूलतः तो एक सामाजिक प्राणी होता है और वह अपने आचरण में जो है ऐसा ही रहना चाहता है। कभी कभी भावावेश में आकर वो कोई गलत कदम उठा लेता है, लेकिन मूल रूप से मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है। और तीसरा जो उनकी मानव प्रकृति के ऊपर जो विचार था वो था कि सभी मानव समान है, सभी मानव समान है। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि मानव मानव के बीच में शारीरिक और मानसिक शक्तियों में पर्याप्त अंतर हो सकता है, संपत्ति का अंतर हो सकता है, पद प्रतिष्ठा का अंतर हो सकता है, लेकिन कुल मिला के जो है सभी मनुष्य समान है। उनमें एक नैतिक प्रवृत्ति की जो है मानवीय समानता पाई जाती है। स्वतंत्र रूप से वो जन्म लेते हैं, सभी पर जो है प्राकृतिक कानून समान रूप से लागू होता है और सभी को जो है समान रूप से प्राकृतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। इसलिए कुल मिला के उन्होंने ये कहा कि सभी मनुष्य समान है। धन्यवाद।